हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसके सर की क्लासेस में। आज आप लोगों के लिए एक नए सेशन को लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर एसएससी रेलवे और बैंकिंग में पूछे गए सवाल है, जो आने वाले एग्ज़ाम में पॉजिटिव है कि क्वेश्चन इस तरह का के ही एग्जाम क्या दिया हुआ है। यदि चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 7% की वृद्धि करना चाहता है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। इस टाइप का क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखिए, आपको क्या लिखना है, 100 लिखना है। आपको क्या बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि, यानी कि 100 है जब मेन, उस पर 17% की वृद्धि किए तो यहाँ पर हो गया 117। अब उसके बाद बोला कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 7% का वृद्धि करना चाहता है, यानी कि मूल्य में हो गया 117 और खर्च में 7% का वृद्धि करना चाहता है, यानी कि ये हो गया 107। तो कितना परसेंट का कमी हुआ, तो कमी कितना परसेंट का हो गया, 10। यानी कमी कितना की हुई, 10 की। तो प्रतिशत में करने के लिए इसे क्या कीजिएगा, तो 10/117 × 100 कीजिएगा, तो यानी कि 1000/117 इसे काटिएगा तो आपको क्या निकलेगा, 8.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, बी। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 60 विद्यार्थी को कक्षा में 40% लड़कियां हैं और औसत वजन, लड़कों का औसत वजन 62 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत वजन, एवरेज वेट 55 किलोग्राम है। पूरी कक्षा का, पूरा क्लास का एवरेज वजन कितना होगा। इस टाइप का प्रश्नों को करने के लिए देखिए, आपको गर्ल्स कितना दी हुई है, गर्ल्स लिख लीजिए आपको 40%, यानी कि 100 में 40% गर्ल्स है तो बॉयज़ कितना हुआ, आपका बॉयज़ हो गया 60%। इसे आप रेशियो में कीजिएगा तो क्या होगा, 20 × 40 और 20 × 60। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है लड़कियों का औसत वजन 55 किलोग्राम है, यानी कि 55 केजी है लड़की, और लड़कों का औसत वजन 62 केजी है, यानी कि ये 62 केजी। कितना का वृद्धि है, 55 में 62 का, यानी कि आपके 7 की वृद्धि है। तो आपको पूछ रहा है कि पूरी कक्षा का औसत वजन कितनी है, तो पूरी कक्षा का औसत वजन निकालने के लिए इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 7 × 3, और हम लोग एवरेज निकालने के लिए टोटल डिवाइड बाय नंबर, टोटल सम डिवाइड बाय नंबर, तो 7 × 21, नंबर कितना है गर्ल्स 2 और बॉयज़ कितना है 3, यानी कि यह कितना हो गया 5। आप कीजिएगा तो 21/5, यानी कि 5 × 20.2, यानी कि 4.2। तो आपको पूरी कक्षा का औसत वजन ज्ञात करना है, तो पूरी कक्षा का औसत वजन इसमें आप क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा 55 + 4.2, यानी कि आपका कितना हो गया 59.2 किलोग्राम, 59.2 किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए इसे नोट कर लीजिए और हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक के 2 वृत्ताकार फलकों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या है। तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए आप हमेशा ऑप्शन को हिट कीजिएगा, तो ऑप्शन के हिट करने के लिए क्या रूल है, आपको पता है कि ए नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ 1020, बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ आपको 1058 और सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 1025 और डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ 1058 दिया हुआ। तो देखिए छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला आपको होता है πH/3R + r × r, ये छिन्नक का यानी कि आयतन निकालने का ये फॉर्मूला है छिन्नक का। तो इसमें देखिए पाई का वैल्यू क्या दिए, पाई है तो पाई का वैल्यू होता है 22/7। तो देखिए ऐसा एक वैल्यू चॉइस कीजिए, ऐसा ये ऑप्शन को चॉइस करना है कि जो 22 से कट जाए और 7 से कट जाए। तो देखिए आपको 22 का काटने का तो रूल आपको पता है 11 × 2, यानी ये इसका डिविजिबल है, तो 11 का रूल क्या है, इधर से एक घर छोड़कर ये दोनों को जोड़िए, यानी कि ये क्या हो गया 3, और ये जो बाकी दो घर को है इसे जोड़ के घटाएंगे तो अगर आपका 0 आ जाएगा तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ 3 आ जा रहा तो ये कट गया। इसी प्रकार इसके जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 5 × 6 − 8 × 0, यानी कि 8,
यानी कि ये कितना माइनस तीन, ये भी ऑप्शन आपका गलत। इसे कीजिएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका तीन और माइनस पाँच, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस दो, यानी ये भी ऑप्शन गलत। तो देखिए इसको क्या कीजिएगा, पाँच यानी कि यहाँ पर ऑप्शन क्या वन, यहाँ पर ऑप्शन क्या होना चाहिए सेवन एट, तो सात और एक को जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा आठ, और आठ जीरो को जोड़िएगा तो आठ माइनस, यानी कि ये जीरो हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन इसे डिस्क्रिप्टिव तरीका से कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसे डिस्क्रिप्टिव तरीका से कैसे बनाएंगे, चलिए आपको बता दिए छिन्नक का आयतन क्या है, पाई एच बाई थ्री कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। तो आपको छिन्नक का आयतन निकालना है, यानी छिन्नक का अर्थ क्या होता है, बाल्टी होती है। तो बाल्टी को कैसे निकालेंगे, बकेट, ये देखिए, सॉरी ये चल नहीं रहा है, देखिए इसको कैसे करना है, ये मान लीजिए आपका बकेट है, ये आपका बकेट दिया हुआ, ये आपका बकेट दिया हुआ, इसमें आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 21 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु, यानी कि ये शंकु का आयतन का शंकु के जैसा, तो ये हो गया आपका हाइट, ये आपका हो गया हाइट, ये हो गया 21 सेंटीमीटर। दो वृत्ता का फलकों की त्रिज्या, यानी कि ये बड़े वाले का हो गया पाँच और छोटे वाले हो गया तीन, तो आपका आयतन निकलना है तो पाई एच बाई थ्री, पाई एच बाई थ्री, तो पाई का मान हम लोग क्या जानते हैं 22/7 इंटू एच कितना दिया 21/3 कर दिए, यहाँ का तीन ले लिए, उसके बाद कैपिटल आर ये ले लीजिए पाँच के स्क्वायर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर कर दीजिए। अब यहाँ देखा 7×21 हो गया, ये हो गया 22/3, इसे कीजिएगा तो 25+9+15, इसे जोड़िएगा तो कितना हो गया आपका, देखिए यहाँ पर हम लोग 22 7×21 यानी कि यहाँ 3 से 3 यहाँ काट दिए, यानी कि ये हो जाएगा आपका केवल 22, यहाँ हो गया 22। अब इसे जोड़िएगा तो 5 9 5 14 14 5 19 19 के 9, हाथ में है 1 2 और 2 4 यानी कि 49, से गुना कीजिएगा तो 1078 सेंटीमीटर क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, इसे आप नोट कर लीजिए। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए चार नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चार नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स के किस मान के लिए सात अंक की संख्या 9187 6x2 संख्या 72 से विभाज्य, यानी 72 से डिविजिबल है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखें 9187 6x2 जो किससे डिवाइड है, 72 से डिवाइड है, तो 72 से डिवाइड होने के लिए हम लोग दो अभाज्य, देखिए ये क्या मिल गया, आप इसे बोल सकते दो भाग में 8 9 72, यानी कि जो 72 से डिवाइड है वो 8 से भी कटेगा और 9 से भी कटना चाहिए, तो 9, देखिए 8 का क्या रूल है, लास्ट का हम लोग 3 डिजिट को देखते हैं कि अगर वो 8 से कट गया तो यानी कि ये आपको पूरा कट जाएगा। तो देखिए क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, एक्स की वैल्यू इसमें से ये हो सकती है, तो 7 से हमें 8 से काटने के लिए लास्ट का 3 डिजिट लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू मान लीजिए 0 लेते हैं तो नहीं कटेगा, 1 लेंगे तो भी नहीं कटेगा, 3 लेते हैं तो एक्स का वैल्यू 3 नहीं है और ये 2, तो देखिए 8 से ये कट रहा है तो 8 से कटेगा, ये 8 से कटना चाहिए, 8 8 64 8 45 8 7 56 56 और 7 9 72, यानी कि ये 8 से कट रहा है, यानी कि ये 72 से भी कट रहा है। अब हमें चेक करना है कि और दूसरी संख्या से कोई से कट रहा है कि नहीं, तो देखिए यहाँ पर अगर हम 7 भी रखते हैं तो ये भी कट सकता है, 6 7 2, देखिए 8 से 30 64 3, यानी कि आपको एक्स की वेरिएबल क्या मिला, एक्स से 3 भी हो सकती है और 7 भी हो सकती है कि कट सकती है, लेकिन हम लोग क्या करना है कि आपको क्या देखना है, 9 से भी कटना चाहिए, तो 9 से कटने के लिए आपको देखें 9 का डिविजिबल कितना है 3 3, तो 3 से ये 7 नहीं कटेगा, 3 से तो ये कट जाए, यानी कि आप बोल सकते हैं कि एक्स का क्या मान है, एक्स इक्वल्स टू क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हुआ, बी, ऑप्शन नंबर बी, इसे आप नोट कर लीजिए। इसी टाइप का क्वेश्चन
एसएससी रेलवे और बैंकिंग पूछते हैं। आसान तरीका में इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या दिया हुआ है? साइन 44 डिग्री अपॉन कॉस 46 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री। तो आपको इसको क्या निकालना है? देखिए, आपको यहाँ पर जो साइन 44 बाय कॉस, देखिए क्या दिया हुआ है, साइन 44 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 46 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और क्या दिया हुआ, सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ। तो याद रखिए कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर कीजिए 90 डिग्री होता है जोड़ के, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू 1 हो जाता है। थीटा 1 प्लस थीटा 2 को जोड़ेंगे अगर 90 डिग्री हो जाता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। उसी प्रकार डिवाइड में भी कीजिएगा, थीटा 1 बाई थीटा 2 यानी कि 90 डिग्री हो जाता है जोड़कर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये साइन और कॉस 44 ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1। अब हमें साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान, साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान रूट 3 बाय 2 यानी स्क्वायर कर दीजिए। कॉस 45 का मान क्या आता है, 1 बाई रूट 2 यानी कि यहाँ पर 1 बाई रूट 2 कर दीजिए, ये स्क्वायर में। प्लस 660 डिग्री का मान निकालना है, तो यानी कि 660 डिग्री का मान हो जाएगा आपका कितना, 2। 660 डिग्री का मान 2, आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 1 प्लस 3 बाई 4 माइनस 1 बाई 2 प्लस 2। अब इसे एलसीएम लीजिएगा तो आपको 4 हो गया, ये 4 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 8 यानी कि आपको गया 4 और 3 7, 8 7 15, 15 में से 2 गया यानी कि 13, यानी कि 13 बाय 4 यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। इसे आप नोट कर लीजिए। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ आपको, एक वस्तु को 30% और 15% की क्रमिक छूट के बाद 547.40 मैंने 547.40 रुपए में बेचा जाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी के टायर 1 टायर 2 में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीजीएल में, सीएचएसएल में और एमटीएस। रेलवे में तो आपको ये क्वेश्चन आसान तरीका से आते हैं, लेकिन इसे कैसे बनाएंगे, चलिए सीधे क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन जो दिया हुआ है, देखिए इसे कैसे बनाना है। जब भी आपको क्रमिक छूट की बात बोले तो 30% मतलब क्या होता है, 30% मतलब आप लिख सकते हैं 30/100 यानी कि ये हो गया 3/10। उसी प्रकार आपको 15% बोल रहा है तो 15% मतलब आपको क्या हो गया, 3/20 छूट बोल रहा है, क्रमिक छूट। तो जब भी क्रमिक छूट की बात करें तो 10 से कितना माइनस कीजिएगा, 3 यानी कि 10 पहले था और 3 माइनस हो गया यानी कि ये हो गया 7। उसी प्रकार पहले 20 था, अब ये कितना हो गया, 17। इसे गुना कीजिएगा तो ये हो गया आपका 200, इसे गुना कीजिएगा तो 119। अब यही छूट के बाद कितना में बेचा गया है, यानी कि यही छूट के बाद आपको बेचा हुआ है कि 547, यही आपको बेचा हुआ है 547.40 रुपीस में। तो इतना के इक्वल टू ये है, तो एक के इक्वल टू क्या आ जाएगा, 119 नीचे आ जाएगा। लेकिन आपको क्या निकालना है, अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य 200 यूनिट हो जाएगा, तो आप इसे 200 से गुना कर दिया। देखिए अब इसे काटने का क्या रूल है, देखिए अगर इसका यूनिट क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, और देखिए यहाँ पर 11 से कितना लगा, 11 पचे 55 ये 5 हो जाए, लेकिन उससे कम यानी कि 11 चौक 44 और 9 चौके 36 9 छक 54 यानी कि आपका कितना बार में कटेगा, ये 4.6। देखिए यही एक रूल है आसान तरीका में काटने, यानी कि 4.6 इंटू 200 कीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, 920 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। इसे आप नोट कर लीजिए, बराबर एसएससी में पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आपको, यदि a प्लस बी इक्वल्स टू 6 है और ab इक्वल्स टू 8 है
तो फाइंड ए क्यू प्लस बी क्यू। जब भी आपको अलजेब्रा दिया रहा है, मेरे हिसाब से आपको हीट एंड ट्रायल मेथड से बनाना चाहिए। हीट एंड ट्रायल मेथड मतलब क्या होगा, देखिए आपको ए प्लस बी इक्वल टू 6 दिया हुआ और ए बी इक्वल टू आपको दिया हुआ कितना 8 दिया हुआ है। आपको निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू ये कितना होगा। तो हीट एंड ट्रायल मेथड में ए और बी का क्या वैल्यू लिखिएगा कि ये 6 हो जाए और उसी को गुना करने पर यानी ए इंटू बी करने पर वो 8 हो जाए। तो देखिए आप इसे ए का मान 4 लीजिए, बी का मान 2 लीजिए, यानी कि ये 6 हो गया। 4 इंटू 2 कीजिएगा तो ये 8 हो गया। तो यानी कि ए की वैल्यू क्या हो गई 4, तो ए का पावर क्यू है यानी कि 4 का क्यूब कर दिए। उसी प्रकार बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यानी कि 2 की क्यूब कर दिए। क्लियर है, समझ में आ रहा बच्चे? देखिए क्या करना, फिर 4 का क्यूब कीजिएगा तो क्या होगा, 4 का क्यूब आपको हो गया 64 यानी कि 64। 2 का क्यूब कीजिएगा तो यानी कितना हो गया 8। आप इसे जोड़िएगा तो यानी कि कितना हो गया 72, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। चलिए देखिए अलजेब्रा का जब भी इस प्रश्न, इस तरह का प्रश्न है, जब भी कोई भी वैल्यू निकालना है तो आप हीट एंड ट्रायल मेथड से कीजिए, आपका कम समय में बन जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि कॉस थीटा इक्वल्स टू 4/5 है तो साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि वहाँ पर क्वेश्चन जो है गलत है आपका। तो यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपको जो निकालना है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू लिखना क्या है साइन थीटा, ये आपको निकालना है क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन में आपको ऑप्शन, आपको क्वेश्चन में यही निकालना है। ठीक है देखिए, लेकिन कॉस थीटा इक्वल टू कितना दिया, जब भी किसी चीज़ का वैल्यू दिया रहे तो आप हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिएगा। ये मान लीजिए ए, ये बी और ये हो गया आपका सी। तो कॉस थीटा दिया हुआ है, थीटा यहाँ पर पकड़ लेते हैं, तो कॉस बराबर देखिए लाल कक्का याद रखिएगा एल ए एल के ए, ये हो गया साइन, ये कॉस, ये टेन, साइन कॉस और टेन। तो कॉस बराबर आधार बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण, आधार आपका क्या हो जाएगा 4 और कर्ण हो जाएगा आपका 5। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर कीजिएगा तो यानी कि आपका क्या आ जाएगा 9 मिलेगा। तो 9 को रूट डालिएगा तो यानी कि ये लम 3 मिल गया। अब आपको ये निकालना है, क्या निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा मतलब क्या हो गया, लम बटा कर्ण। तो यहाँ पर हो गया लम कितना है, लम आपका 3 है और कर्ण आपका कितना है 5 है। तो यानी कि ये हो गया 3/5 का स्क्वायर इंटू कॉस, तो आप जान रहे हैं कॉस क्या होगा, आधार बाय कर्ण, आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, आप लिख लीजिए 4/5 प्लस। उसी प्रकार यहाँ पर भी कीजिएगा तो 4/5 का होल स्क्वायर इंटू 3/5, इसे स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9/25 इंटू 4/5 प्लस 16/25 इंटू 3/5, इसे मल्टीप्लाई कीजिए 36, इसे कीजिएगा 125। क्लियर है, उसके बाद देखिए इसे गुना कीजिएगा 16 + 48 और 125, इसका बेस सेम है, इसका बेस कितना 125 यानी एलसीएम 125 लीजिए, इसे जोड़िए 36 और ये ऊपर वाला उठ जाएगा 48, इसे जोड़िएगा तो कितना होगा 8 × 6 = 14, हाथ में रहा 1, 4 × 3 = 7 + 1 = 8 यानी 84/125 यानी कि आपको, आपका आंसर क्या आ गया 84/125 यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नाइन क्या पढ़ते हैं, यदि √x + 1/√x इक्वल्स टू 2√2 है तो x² + 1/x² का मान निकालना। आपको दिया हुआ है √x + 1/√x इक्वल्स टू 2√2,
इस टाइप का क्वेश्चन जब रहे आपके पास मिले तो आपको ये रूट को हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायरिंग करना होगा। क्या करना होगा? बोथ साइड स्क्वायरिंग करना होगा। बोथ साइड जब स्क्वायरिंग कीजिएगा तो ये स्क्वायर हो गया और ये स्क्वायर हो गया। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये आपको मिल जाएगा। यहाँ से स्क्वायर से रूट से स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ हट गया, ये और ये कट गया, यानी कि आपको क्या मिला? एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस टू इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो दो का स्क्वायर चार, चार दूनी आठ, यहाँ आठ, यानी कि एक्स प्लस वन बाय एक्स आठ। अब ये दो इधर चला जाएगा तो आप बोल सकते हैं कि वन बाई एक्स, यानी एक्स प्लस वन बाय एक्स इक्वल्स टू छः। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना। तो इसे तोड़िएगा तो आप क्या मिलेगा? एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये कट गया। अब देखें एक्स प्लस वन बाय एक्स का मान क्या दिया हुआ? एक्स प्लस वन बाय एक्स का मान आपको दिया हुआ सिक्स, यानी कि यहाँ सिक्स का स्क्वायर माइनस टू, सिक्स का स्क्वायर कीजिएगा तो थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स माइनस टू यानी कि थर्टी फोर। आपका ऑप्शन नंबर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है? यदि टेन फोर थीटा इक्वल्स टू कॉट फोर चालीस डिग्री माइनस टू थीटा। तो जब भी आपको यहाँ पर थीटा वन प्लस थीटा टू, यानी कि कोई डिग्री और कोई डिग्री दोनों को जोड़ कर अगर 90 हो जाए तो यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वन हो जाएगी। ये आपको पहले ही बताएं, यहाँ पर दिया हुआ टेन फोर डिग्री इक्वल्स टू कॉट 40 डिग्री माइनस टू थीटा। तो आपको यहाँ पर टेन इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? टेन थीटा इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है मान लीजिए कॉट थीटा। तो आपको क्या करना है? इक्वल्स टू 90 कर देना है। तो आपको क्या लिखना है? फोर थीटा प्लस ये दिया हुआ है 40 डिग्री माइनस टू थीटा इक्वल्स टू आपका कर दीजिए 90 डिग्री बस। तो देखिए चार डिग्री फोर थीटा में टू थीटा घटेगा तो यहाँ हो जाएगा टू थीटा। अब ये इधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री में 40 डिग्री जाएगा तो क्या होगा आपको? 50 डिग्री। और दो से इसे काट दीजिए यानी कि ये 25, यानी कि थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया? 25 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी, ऑप्शन नंबर डी, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है? ए इज टू बी इक्वल्स टू टू इज टू थ्री है तो 5a माइनस 2b रेशियो 5a प्लस 2b का मान क्या होगा? तो देखिए आपको दिया हुआ है यहाँ निकालना 5a इज टू 2b ब्रैकेट क्लोज रेशियो 5a प्लस 2b ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए a का वैल्यू दिया हुआ है 2 और b का वैल्यू दिया हुआ है 3, यानी कि a इज टू आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पर लिखते हैं a इज टू b इक्वल टू दिया 2:3 तो सिंपल सी बात है, a की वैल्यू 2 लीजिए, b का वैल्यू 3 लीजिए, तो यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा? 5:2 b का वैल्यू 3 है तो 6 रेशो ए का वैल्यू 5 × 10 प्लस यहाँ पर क्या क्वेश्चन सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ? माइनस, यहाँ माइनस दिया हुआ, यहाँ पर आपको माइनस दिया हुआ ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर 5 × 10 यहाँ पर प्लस दिया, बी का वैल्यू 3 यानी 6, इसे घटाइएगा तो ये 4 हुआ और इसे जोड़िएगा तो 6 हुआ, 4 × 4 = 16 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है? 2 वर्ष के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से ₹1 में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या दिया हुआ है? 43.20 रुपीज़, यानी ₹43.20 दिया हुआ है 2 वर्ष का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको निकालना है। इसमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? एक्स का वैल्यू, एक्स मतलब यहाँ पर हो रहा है मूलधन, याद करना। जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना हो और प्रतिशत दिया रहे तो आपको क्या करना है? 12% दिया हुआ है तो यानी कि आपको लिखना है 12/100 कर दीजिए,
अब देखिए यहाँ पर काटेगा तो कितना बार में कटेगा, इसे काटेगा तो 6, ये 50 और यहाँ 3 और ये 25। आपको कितना साल दिया है, आपको 2 साल दिया है, तो 2 साल दिया हुआ है तो मतलब इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 25 के स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 625। 2 साल बोला है यानी कि ये 2 भाग में, तो अब क्या करना है कि ये हो गया पहला साल और ये हो गया आपका दूसरा साल। कुछ नहीं करना, 3/25 ये हो गया 3/25 3/25 इसे कीजिएगा तो 25 बार में 25 दिया 75, इसे भी कीजिएगा तो ये 75। अगर आपसे क्वेश्चन बोले कि 2 साल का साधारण ब्याज कितनी है तो ये हो गया 75 75, आपको हो गया 150। लेकिन आपको क्या निकाला, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, फिर आपको इस चीज़ को बंद कीजिए। और कौन सा दिख रहा है, ये 75 दिख रहा है, तो 75 का आप क्या कीजिएगा 3/25 कीजिए, इसे काटिएगा तो 25 या 75 3 9, यानी कि आप अगर इसे पूरा जोड़िए, ये पूरा जोड़िएगा तो आपको क्या मिलेगा CI, आपको क्या मिलेगा CI, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। 75 + 75 150 + 9 यानी कि ये आपको मिल गया 159। लेकिन आप अगर सिंपल इंटरेस्ट जोड़िएगा, साधारण ब्याज जोड़िएगा, तो आपको क्या होगा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज आपका होगा 75 + 75 यानी कि SI आपको हो गया 150। आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 43.20 रुपया है, यानी कि ये दोनों का डिफरेंसेस कितना है 43.20 रुपया, यानी कि 9 यूनिट बराबर, आप इसे कीजिए 9 यूनिट बराबर 43.20, तो 1 यूनिट बराबर आपका क्या हो जाएगा अपॉन। और आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है मूलधन, तो मूलधन मैंने एक्स की वैल्यू, ये आपका ये जो यूनिट होगा ये आपका प्रिंसिपल का यूनिट होगा, याद रखिएगा ये जो बी कीजिएगा ये प्रिंसिपल का यूनिट, यानी कि 625। इधर से पॉइंट हटा है, ये हो गया 100, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 5 × 10 इसे काटेगा तो 125 बार में, अब इसे देखिए 9 × 18 तो 9 से इसे काट देते हैं आगे, 9 × 4 = 36, 7 × 9 = 72, 2 से इसे काटिए 24 यानी गुना कीजिएगा तो यानी कि आपका हो गया 3000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी, ऑप्शन नंबर सी। इसे आप अच्छी तरह से देख लीजिए, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जब भी आपको 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछे तो आपको रेट को फ्रैक्शन में कर देना है, रेट को फ्रैक्शन जितना साल पूछे, यानी कि यहाँ पर 2 साल बोला तो 2 साल कर दे, इसे जब कीजिएगा तो ये किसका यूनिट आएगा, ये प्रिंसिपल का यूनिट आएगा, 2 साल बोला तो 2 भाग में कर दीजिए तो कितना आया 3/25 पहला साल 75 फिर दूसरा साल 75, ये जो दोनों को जोड़िएगा तो ये क्या मिलेगा साधारण ब्याज मिलेगा। जब आपको दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो पहले साल उसका मूलधन हो जाता है, इसका 3/25 के ही ना है, ये पूरा को जोड़िएगा तो ये CI मिलेगा और ये दोनों को जोड़िएगा तो ये SI मिलेगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बोला है 43.20 यानी दोनों का डिफरेंस 9 यूनिट बराबर इतना तो 1 यूनिट बराबर इतना, मूलधन बराबर 625 तो आपको कितना हो गया 3000। इसी टाइप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक सरल करो है, इसे कैसे बनाएंगे, 3.8 + (8.3)(4.1)(2) - (4×3)(1.2) का मान क्या होगा। तो देखिए क्या कैसे करना है, आपको ब्रैकेट का काम आगे कीजिए, 3.8 प्लस ब्रैकेट का काम है, देखिए दिया हुआ है 8.2 / (4.1)(2)/(4×3)/(1.2), आपको ब्रैकेट का काम करना है, तो देखिए भागा का काम करना है, तो यहाँ होगा 3.8 + (8.2)/(4.1)(2)/(4×3)/(1.2), अब इसे काटिएगा तो कितना बार में 2 बार में यानी 0.2, 2 × 4 यानी 3.8 + 0.4, क्लियर है। तो देखिए यहाँ से पॉइंट करिए, यानी कि ये आपको क्या मिल गया 4, ये आपको क्या मिल गया 4 और यहाँ माइनस, अब यहाँ पर ये पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ पर 10 हो गया यानी 30, ऐसे काटिएगा तो 2 × 4 2 × 6 = 12 2 × 3 = 6 इसे कीजिएगा तो ये 10 बार में, तो देखिए 3.8
और यहाँ पर हो गया आपका क्या 3.84 यानी कि 7.8 माइनस 10 यानी कि आपका क्या हो जाएगा, आपको घटाइए आपको क्या मिला 10 में से 7 यानी कि 3 में से 0.8 मतलब माइनस 2.2। ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। यहाँ पर बड़ा माइनस 10 के सामने माइनस है इसलिए यहाँ माइनस साइन लगेगा यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो जीवा की लंबाई क्या है। तो देखिए आपको 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में मान लें यहाँ से सेंटर से किसी को भी लीजिएगा तो ये हो गया आपका त्रिज्या। 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है यानी कि केंद्र से 12 सेंटीमीटर के दूरी पर है तो बोल रहा है कि आपको जीवा की लंबाई, तो जीवा इसे बोलते हैं जीवा, जीवा की लंबाई क्या है यानी कि मान लीजिए ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है यानी कि ए डी आपको दिया है 13 और केंद्र से ये कितना दिया डी सी दिया 12 तो ये कितना निकलेगा आपका, ये निकला आपका 5। तो अगर ये 5 है तो इस तरफ लीजिएगा ये 13 तो ये भी कितना निकलेगा 5। तो आपको क्या निकालने बोला है जीवा की लंबाई, तो जीवा कितनी की लंबाई होगी 5 और 5 यानी कितना हो गया 10 यानी कि ए बी की लंबाई कितनी होगी, ए बी की लंबाई होगी 5 × 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। इसे आप नोट कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में बीसी पर पी बिंदु है जिससे बीपी इज टू पीसी इक्वल्स टू 2:3 है और क्यू बिंदु बीपी का मध्य बिंदु है तो एरिया एबीक्यू एरिया एबीसी का मान क्या होगा। तो देखिए आपको त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी, त्रिभुज क्या दिया हुआ ए बी और ये सी। अब आपको बोल रहा है कि BC पर P एक बिंदु है यानी कि BC पर एक कोई भी P बिंदु है यानी यहाँ पर P एक बिंदु है जिससे BP इज टू PC यानी कि BP इज टू PC और Q बिंदु BP का मध्य बिंदु है यानी Q बिंदु BP का मध्य बिंदु है, BP का मध्य बिंदु यानी कि ये कौन बिंदु है Q बिंदु है। अब बता रहा है कि बीपी का मध्य बिंदु है तो एरिया ए बी क्यू एरिया ए बी सी का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आप ऐसे कीजिए लंब हो गया ये, अब आपको दिया बीपी कितना है, बीपी आपको दिया है 2, बीपी ये कितना दिया है 2 और पीसी कितना दिया हुआ है ये आपको दिया है 3। जब बीपी का मध्य बिंदु होगा क्यू तो इसे लंब दे दीजिए, अगर ये पूरा 2 है तो ये कितना होगा 1 और ये हो गया 1। अब आपसे क्या पूछ रहा है एरिया ए बी क्यू, एरिया ए बी क्यू रेशियो मतलब रेशियो का मतलब डिवाइड फिर एरिया त्रिभुज ए बी सी क्या होगा। तो देखिए आपको यहाँ पर दिया हुआ ए बी क्यू, ए बी क्यू ए बी क्यू यानी ये एरिया आपको निकालना है तो ए बी क्यू कितना हो गया 1 अपॉन, उसके बाद बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी तो देखिए ये यहाँ से यहाँ कितना हो गया, यहाँ से यहाँ आपको हो रहा है कितना 2 और ये कितना है 3 यानी कि ये हो गया 2+3 यानी कि हो गया 1/5 1/5 यानी कि ऑप्शन नंबर 1:5 कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी टाइप का वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए वीडियो का पाने के लिए बेल आइकन को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।